मेरी बेटी का नामकरण आप करें। प्लीज। पीपल या रोपान, देवल सलगाम, श्वेता रखियो नाम। 25 जो आपके घर में है छोटी जात की है। इसे मैं अपनी बेटी मान चुकी हूँ, और ये किस जाति या किस धर्म की है इससे मुझे या मेरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बच्ची राजपूत परिवार में नहीं रह सकती। फैसला तो हम भी कर चुके हैं पर्वत सिंह, और एक राजपूत होने के नाते मैंने यही सीखा है कि प्राण जाए पर वचन जाए। सावित्री, सावरी इतना रो क्यों रही है? देखो ना भाई साहब, पता नहीं क्या हुआ इसको, रो ही जा रही है, काम ही नहीं करने दे रही। अरे सावरी, क्या हुआ बेटा? अच्छे बच्चे रोते नहीं, माँ है ना पास, नहीं रोते। चुप हो जाओ। लो, चुप हो गई तुम्हारी सावरी। अब इसे अंदर छोड़ा, इसे लेकर बाहर धूप में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जी भाई साहब, अभी अपनी कोठरी में छोड़ा। अरे कोठरी में क्यों, घर में लेके जाओ, वहाँ वैदेही और श्वेता भी है, उन दोनों के साथ खुश रहेगी ये। भाई साहब, कैसे भाई साहब, आप लोगों का बच्चा के साथ हमारी छोरी? सावरी और दूसरे बच्चों में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं। जाओ तुम इसे अंदर छोड़ा। जी भाई साहब। भाभी साहब और भाई साहब ने एक बच्ची को गोद लेके सच में बहुत बड़ा काम किया है, मगर भाबू, क्या भाभी साहब अब अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे? इस बच्ची ने सलोनी और नाहर के घाव पे दवा का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों को अपनी खोई हुई बच्ची की याद तो आती होगी ना, जिसे जन्म दिया है उसे भुला तो नहीं सकते। जिस तरह श्वेता को इस घर का लाड प्यार मिल रहा है, ईश्वर करे हमारी बच्ची पे भी ऐसा ही लाड प्यार बरस रहा हो। पिया, जरा अंदर जाके आदित्य को संभालोगी तुम? ईशान स्कूल से आने वाला है, उसका नाश्ता तैयार करना है मुझे। जी भाभी सर। भाभू, आप चाय पियेंगी? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी तारा। अभी लाते। वो सलोनी भाईसा ने बोला है कि छोरी को लेके बागीचे में काम नहीं करो, अंदर अठाई छोड़ दो। ठीक ही तो कहा सलोनी भाई साहब ने, बच्ची को लिटा दो। अरे जमीन पे नहीं, श्वेता वैदेही के पास। हुकुम, ये अरे तेरी बेटी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जी हुकुम। अरे ईशान बेटा, आ गया तू? तेरी बड़ी मामी तेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही है, जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जा। नहीं, मैं थोड़ी देर श्वेता और वैदेही के साथ खेलूंगा। जैसे तेरा मन करे। अरे
इस काली कलोटी को मेरी बहनों के साथ किसने सुला दिया? ईशान बेटे, ऐसी बात नहीं करते। ये हमारी बहनों के साथ रहेगी तो वो भी काली हो जाएंगी। बोली ना सावरी की माँ से, इसे अपने कमरे में रखे, फिर कभी मेरी बहनों के साथ रखा ना तो अच्छा नहीं होगा। देखे ना इसका रंग। ठीक, एक तो भगवान ने रंग इतना पक्का दिया, ऊपर से तेरे ये रंग। अरे मैं कहती हूँ घर से बाहर निकलते समय थोड़ा मेकअप कर लिया करना। ईशान, ऐसा नहीं कहते बेटा। सच्ची तो बोल रहा हूँ, ये गंदी लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये मेरी बहनों के साथ नहीं रहेगी, बस। सावरी तुम्हें इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो गोरी नहीं है। हाँ, देखो ना इसका रंग। रंग से क्या होता है ईशान बेटा, मैं भी तो गोरी नहीं हूँ, तो क्या मैं गंदी हूँ? नहीं, आपकी बात अलग है। आप तो मेरी सुपर मामी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन मामी, इसे यहाँ से हटा दूँ ना, ये तो श्वेता और वैद्य ही भी गंदी हो जाएंगी। सावित्री, ईशान तो बच्चा है, वो ए, कुछ मत कहो हुकुम। मने मने तो सभी बुरा नहीं लगा इस बच्चे का। आपसे एक बिनती है भाई साहब, इस बच्चे को कुछ ना कहिएगा। मैं जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर खूब देर तक खेलेंगे हम लोग, ओके? क्या हुआ सलोनी, कहाँ खोई हुई हो? इतनी देर से देख रहा हूं मैं, क्या सोच रही नाहर? क्या सावला होना दुर्भाग्य की बात है? किसी इंसान का गोरा ना होना क्या उसके और उसके अपनों के लिए शाप है? सच सच कहूं, अगर तुम गोरी होती ना तो शायद मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी ना होता। अगर तुम्हारा रंग वैसा ना होता जैसा है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आंखों में इतनी कशिश ना होती। उसकी नाक, उसके होंठ इतने खूबसूरत ना होते। मेरी नजर से देखो तब जानोगी कि तुम कितनी सुंदर हो। अरे तुम्हारे इसी रूप और गुणों ने तो मुझे बांध के रखा हुआ है। मैं उसी सलोनी से प्यार करता हूँ जो मेरे सामने खड़ी है, और मैं जानता हूँ कि मेरी सलोनी जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। फिर तुम ऐसे सवाल क्यों करती हो मुझसे? आप भी ना, जरा सा मौका मिला नहीं कि मेरी तारीफ करना शुरू कर देते। मेरी दुनिया है ईश्वर गवाह है, अगर मैंने एक शब्द भी गलत कहा हो तो तुम ही से मैं हूं सलोनी। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती ना तो पता नहीं ये जिंदगी कैसी होती, या ये जिंदगी जिंदगी कहलाती भी या नहीं। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं?
मेरी हर बात हर परेशानी बिना कुछ कहे कैसे समझ जाते हैं। अरे कहने की बात तो दूर है मैडम, आपकी धड़कनें आपसे पहले मुझे सुनाई पड़ जाती है, ये तो जानती है ना, या नहीं? मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तो सावरी की आवाज है, इतना क्यों रो रही है? सावरी को देखा वरना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। नार, मैंने कहा ना, जा सावरी को देखा। और ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि सावरी की वजह से हमारी नींद बर्बाद हो गई। इसे यहां लाओ। भाई साहब, कहीं जादू है कि आपके हाथ में, आपके हाथा में आते ही चुप हो गई। देखो नटकट, यह लगे जैसे रो रो के आपने ही बुला रही थी, आपकी गोद में जाने के लिए तड़प रही थी जैसे। इसे तो मेरी गोद हमेशा मिलेगी, ये जब चाहे तब, आधी रात को भी। सच्ची साची कहूं, मेरी छोरी बहुत भगवान है, आपका प्यार ही नहीं मिला। देखा सुपर मामी, मेरी गाड़ी ने आपको पकड़ लिया। अब थोड़ी देर मेरे साथ खेलें आप, प्लीज लीजिए ये रिमोट लीजिए। अभी कैसे खेल सकते हैं? क्यों? अरे तुम्हारे छोटे मामा नहाने गए हैं, आते ही नाश्ता मांगेंगे, उन्हें ऑफिस जाना है ना, बाद में आराम से खेलते हैं, पूरा दिन पड़ा है। ओके। I'm sorry, जल्दी में देखा नहीं मैंने। वरुण तुम? अरे नाहर,
What a pleasant surprise. लेकिन यहाँ कैसे? वरुण, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इस वक्त मेरी बच्ची ठीक हालत में नहीं है। मैं मिलता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। घबराइए मत। नर्स, जल्दी से बच्चों का इमरजेंसी रूम में ले जाओ। संभाल के। डॉक्टर, प्लीज, प्लीज मेरी श्वेता को बचा लीजिए। देखिए ना, कितना खून। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। पहले मैं अंदर जाके बच्चों का एग्जामिन कर लूं। भगवान पे भरोसा रखिए। सिस्टर, ये फाइल पकड़िए, मैं अभी आया। वरुण, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा ना। मैं अंदर जाके देखता हूँ। जस्ट डोंट वरी, ओके? से अभी भी मिला, लेकिन थैंक गॉड, अब कम से कम इस बात की तसल्ली तो है कि हमारी श्वेता सही हाथों में। हाँ, कुछ नहीं होगा नार, कुछ नहीं होगा। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा सलोनी। माता जी इतनी निर्दयी नहीं है, ठीक हो जाएगी हमारी श्वेता, तू चिंता ना कर। ब्रजेश का फोन है। भाभी साहब, भाई साहब को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, कह दीजिए सब ठीक है, वरना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो तारा, श्वेता की हालत कैसी है? वो ठीक है अभी। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगी। सर, नार का फोन दो। एक मिनट, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जी भाई साहब, मैं आ रहा हूँ ना। नहीं नहीं भाई साहब, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग बहुत जरूरी है और आपका वहाँ रहना भी बहुत जरूरी है। मैं हूँ ना यार, सब कुछ संभाल लूंगा और अगर कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुलवा लूंगा यार। लेकिन नार, ऐसा डोंट वरी, यहाँ पर एक और अच्छी बात हो गई है, वरुण मिल गया है और श्वेता के साथ वो भी अंदर है। भाई साहब, जब वरुण है तो टेंशन की कोई बात नहीं। वरुण अपना वरुण वो वापस आ गया? जी भाई साहब, ज्यादा बात करने का तो वक्त नहीं मिला, यहीं पर टकरा गया था वो मुझसे। वो भी अंदर है, श्वेता को वही ट्रीट कर रहा है। चलो चलो, ये अच्छी बात है, फिर मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता ठीक हो जाएगी ना। लेकिन तुम मुझको उसकी हालत के बारे में इन्फॉर्म करते रहना, ओके? जी भाई साहब। नाहर, अगर ब्रजेश आना चाहते हैं तो उन्हें आने दो ना। भाभी साहब, भाई साहब का मीटिंग छोड़ के यहाँ आना वाकई में जरूरी नहीं था। हम सब है ना यहाँ। कैसी है मेरी बच्ची? श्वेता ठीक तो है ना? आप सब लोग हौसला रखिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट श्वेता का इलाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते बहुत खून बह चुका है।
और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में नहीं है।